मटर बेचने के लिए कृषि उपज मंडी में पहुंचे किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी में मटर से लदे वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। इस बार मटर की बम्पर आवक हुई है और किसान अपना मटर बेचने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। मटर से लदे वाहनों की लंबी कतार मंडी में लगी है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों का कहना है कि मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। जाम से निपटने के इंतजाम नहीं है और सफाई व्यवस्था भी चौपट है, लिहाजा कचरे की बदबू से सभी हलाकान हो रहे हैं। बिलखड़ा के पास भाव लग रहा, ये परेशानी, जाम लगा रहता है, बहुत लेट आ पाते, हमारा माल नहीं बिक पा रहा। ये जाम का कोई इंतजाम किया जाए। यहाँ पे आते हम लोग हर साल मटर लेके आते हैं, अव्यवस्थाएँ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि जाम दो दो घंटे, तीन तीन घंटे जाम लगा हुआ रहता है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बदबू यहाँ पे आती रहती है। अब ये समझ लीजिए, ये हर साल की स्थिति है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था समझ में नहीं आती है, ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था है कि जाम को खुलवाया जाए। यहाँ पे मंडी पे कोई व्यवस्थाएँ करें कि साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था समझ में नहीं आती। जाम की स्थिति इस बार है कि इस बार मटर की बम्पर पैदावार है और तीन गुना माल पिछले साल से ज़्यादा इस साल किसानों का मटर निकल रहा है, जिसके कारण रेट भी इस साल ज़्यादा अच्छे नहीं है मटर के। और जाम तो ऐसा है कि कृषि उपज मंडी से मंडी शुल्क लेती है। हम लोग लाखों रुपए पर डे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी कर्मचारी पूरी मंडी में व्यवस्था बनाने के नाम से नहीं है, जिसके कारण दो दो तीन तीन घंटे तक किसान फंसे रहते हैं और किसानों का माल काफ़ी लेट तौल होती है। इसकी शिकायत की आपने? इसकी 4 से 5 बार शिकायत की है, आवारा जानवरों की शिकायत की है, ट्रैफिक की व्यवस्था की शिकायत की है, लेकिन मंडी प्रशासन से मंडी शुल्क लेने के लिए कोई भी अधिकारी को कोई चिंता नहीं है कि किसान कितना परेशान हो रहा है। बाहर से जो ऑल इंडिया का व्यापारी आया है वो कितना परेशान हो रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना मंडी शुल्क से लेना देना है। व्यापारियों का भी कहना है कि उनसे मंडी शुल्क ले लिया जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कोई कार्य ठीक से नहीं होता है।